अरे मीरू तुम जाके मीरू मीरा मीरा तू ठीक तो है ना? आप मुझे यहाँ लेके आई थी, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मेरे पास और कोई चारा नहीं, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ लाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, I'm really sorry माँ। मीरा क्या कहा तुमने? I'm sorry माँ। इतना दिल से बोल माँ। मेरी बच्ची, ये शब्द तेरे मुंह से सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। I'm sorry माँ, आपको तरसाने के लिए I'm sorry। नहीं मीरा, काके जी, एम जी, देव जी, मामी जी, आप सबने सुना ना? सुना ना आपने काके जी? मीरा ने मुझे माँ कहा। एम जी देखिए ना, हमारी मीरा लौट आई है हमारे पास। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नानी, बड़ी नानी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बस मीरा, गलती तो सबसे होती है। अब और नहीं रोना। मैं नहीं बोलोगी आज मीरा से, सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगी। अब कौन सा नया खेल रच रही हो तुम? नहीं नहीं माँ जी, माँ जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। मीरा ने सबके सामने अपनी गलती का पश्चाताप किया है। हाँ माँ जी, आज मीरा ने मुझे माँ कहा। कब तक तुम दिल से सोचती रहोगी गोपी बहू? दिमाग से फैसला लेना शुरू कर दो। इसकी आंखों में झांक कर देखो, इसके इरादे नजर आएंगे। नाटक कर रही है ये, और तू भविष्य में आकर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई? नहीं दादी, कल रात जो भी हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, माँ मेरे साथ खड़ी थी। मैं बस, इसे तू मामा कह रही है? हाँ, दिखावा कर रही है। पिछले जन्म में तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि तुझे ऐसी करुणामय माँ मिली है। सच्चाई तो ये है कि तूने अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाया है। कितना कम था कि तूने अपनी बहन विद्या, जिसने हमेशा आजीवन तेरा साथ दिया, तुझे संभाला, उसके साथ भी तूने क्या किया? इसका बुरा चाहा, इसे दुख पहुंचाने के लिए तूने इसके ससुर के साथ शादी कर ली। माँ जी मैं बस, मैंने कहा ना कि तुम बीच में नहीं बोलोगी। ये लड़की सगी माँ को अपने नाम से पुकारती है। जब ते पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए अपना अपहरण का झूठा नाटक खेल सकती, उस लड़की को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ये बात मैं मान ही नहीं सकती हूँ। मैं आप सबको याद दिलाती हूँ, इसने हमसे बदला लेने के लिए हमारी दुश्मन गौरा से हाथ मिला लिया। अभी भी समय है, वक्त है। अपने आंखों पर ममता की जो पट्टी बंधी है उसे निकाल दो और इसका असली चेहरा देखो और परखो। आप भी तो मीरा को लेकर कितनी चिंता था, आज आप ही है सब कुछ। अचानक कुछ भी नहीं हुआ है, इतने वर्षों से इसे समझने का प्रयास कर रही थी। इसके शरीर में मोदी परिवार का खून तो है, लेकिन इसने हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जहर घोला है, जहर। माँ जी, जब अहम जी से गलती हुई थी, आपने भी तो बड़ा दिल रखकर उन्हें माफ कर दी। तुम कैसे मीरा की तुलना मेरे अहम दिकरा के साथ कर सकती हो? मेरा बेटा अहम, उसने कभी भी मुझे अपमानित नहीं किया, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है इसने। तो जब मेरी गोपी जेल चली गई थी, तब आप ही का बेटा आपको और आपके परिवार को छोड़ के चला ही गया था। भले दूर चला गया हो, लेकिन दिल के करीबी था, लेकिन दिल का सच्चा है। लेकिन इस लड़की की तो नियति खोटी है। एक कृष्ण भगवान की भक्त मीरा थी, जो उनसे प्रेम करती थी और उनके लिए विष भी पिया। और ये है मीरा, ये तो एक सपोली है, सपोली जो सिर्फ दस ना जानती है। बस करिए भगवान जी, आप मेरे घर के निजी मामले में बोलने वाले?
पास भी कीजिए। तुम कह रहे हो तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं इस लड़की पर दया करूं और इसे क्षमा कर दूं, इस बात की मुझसे अपेक्षा भी मत रखिएगा, क्योंकि ये असंभव है। दादी, दादी सबने मुझे माफ कर दिया, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। दादी मान गए छोटी दादी सासू माँ को, ऐसे एक ही बार में सबको चारों खाने चित कर दिया। चुप चुप, एक बात कान खोल कर सुन लो सोना, भले ही तुमने शादी कर ली हो, साहिर के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हो, पर हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इस घर में तुझे बहू का दर्जा तो नहीं मिलेगा। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा, उस दिन से हमारे घर की सुख शांति चैन सब गायब हो गया। बस मोटा भाभी, आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा सोना के खिलाफ, और ना ही सोना से इस तरह से बात करेंगी आप। साहिर ने शादी की है, इस नाते सोना अब हमारे परिवार की बहू है। भले ही तुमने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं इस लड़की को हमारे परिवार की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जब आप परिधि को अपनी बहू के रूप में स्वीकृति दे सकते हैं, तो सोना को क्यों नहीं? आज किस लहजे पर बात कर रही हो मुझसे कोकिला? क्या आज उत्तरायण के शुभ दिवस पर दाम्पत्य जीवन की शुभ शुरुआत करें, ऐसा हमें आशीर्वाद देना चाहिए? उत्तरायण के आज शुभ दिवस पर तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत करती हूँ। तुम्हारा और साहिर का प्यार आसमान की ऊंचाइयों को छुए है। कोकिला और मीरा बहन, तुम क्यों रो रही हो? देखना, एक दिन वो तुम्हें भी माफ कर देंगे, बस तुम चिंता मत करो। और हाँ, ये रोना बंद करो।